हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी सोच रहा होता है कि इन्होंने बोला कि ये और टीचर नाना मेरे साथ चलेंगे और ये मेरे साथ रहेंगे। वो पहली बार टांग वुलिन को डैड बोलता है। तो एपिसोड नंबर 183 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन एक तरीके से इमोशनली हो जाता है। बाकी सभी खुश होते हैं सुन के। टांग वुलिन बोल रहा होता है कि जॉनी तुमने फाइनली मुझे डैड बोला, मेरा बेटा एक तरीके से तैयार है मुझे फादर बोलने के लिए, इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या ही हो सकती है। सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था कि एक तरीके से मैं इमोशनल हो गया। जॉनी बोल रहा होता है डैड हम साथ में और हम कभी अलग नहीं होंगे। पेविलियन मास्टर ये देख के चुप होती है और सोची होती है, अगर मेरे पास चांस होता तो मेरे को अलग चॉइस लेनी चाहिए थी। वुलिन बोल रहा होता है तो चलो वोट करते हैं। जो टांग सेक्ट का होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा वरना मास्टर मुझे मार देंगे। पेविलियन मास्टर पूछ रही होती है कि जॉनी किस तरीके का सपोर्ट तुम्हें चाहिए, जो अकेडमी और टांग सेक्ट है वो अपना सब कुछ करेगी ट्राई। वुलिन बोल रहा होता है शुक्रिया पेविलियन मास्टर, तो मुझे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए टांग सेक्ट से। मैं यही होप करता हूँ कि जो सिल्वर आर्मर्ड बैटलशिप है वो हमें दी जाए यूज करने के लिए। सिर्फ इकोलॉजी बैटलशिप जो है वही एक तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है सुपर गॉड लेवल पावर हाउसेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है कि तुम रख सकते हो उसे, एक तरीके से उसे एक्सचेंज कर लो, एक तरीके से इसे एक्सचेंज मान लो कि जो तुमने हमें ड्रैगन बॉडीज दी हैं उसके बदले। जो ड्रैगन बॉडी होती है वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा सही होती है इकोलॉजिकल बैटलशिप बनाने के लिए। वुलिन बोल रहा होता है ये तो ग्रेट है, तो तुम दो मास्टर प्लीज मुझे कोई चीज दो जिससे मैं अपनी जिंदगी बचा सकता हूँ। वुलिन टांग सेट के फॉरबिडन आर्सलैंड में जाने की बात करता है। तो जो एल्डर होता है वो बोलता है कि बाकी लोग अगर फॉरबिडन आर्सेनल की बात करते हैं तो वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करते हैं, पर अगर तुम बोल रहे हो उसके बारे में तो मुझे डर है कि तुम उसे यूज करोगे, है ना। तुम पूरे के पूरे टियानलोंग स्टार को नहीं पाना चाहते हो, तुम फॉरबिडन आर्सेनल को क्यों लेना चाहते हो हमसे। मतलब एक तरीके से उसके पास इतनी पावर होती है कि वो पूरे के पूरे टियानलोंग स्टार को उड़ा दे। जॉनी बोल रहा होता है कि सुपर गॉड लेवल पावर हाउस के सामने मेरे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी हो सकती है भागने की, अगर मैं इस तरीके के ऑब्जेक्ट को यूज करूँ। ये ऐसे ही मतलब मान लो कि अगर कुछ गलत हो जाए उसके लिए लेके जा रहा हूं मैं, बाकी कहीं ना कहीं तो यूज आ ही जाएगा ये। एल्डर बोल रहा होता है पेविलियन मास्टर के ऊपर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि फॉरबिडन आर्सेनल खतरनाक चीज है। पेविलियन मास्टर पहले तो चुप होती है, फिर बोलती है कि ऐसी चीजें मत दो इसे जो इसे डेस्परेटली चाहिए, मतलब काफी ज्यादा इच्छा है इसकी, बाकी देने दो इसे। और ऊपर से अगर कुछ गलत हो भी जाएगा तो मैं इसके फादर को पहले पकड़ूंगी। ये सुन के टांग वुलिन ऐसे ही थोड़ा हंस रहा होता है एम्बेरस होके। टांग वुलिन सोच रहा होता है मुझे पता है कि मेरा बेटा किस तरीके का है। काफी टाइम जॉनी वाइल्ड चला जाता है और जो अपने आइडियाज होते हैं उन्हें कर ही देता है, मतलब तबाही मचा देता है जो उसने पहले की है। और ये जो अब कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन का काम, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, तो वेल क्या बोल सकते हैं। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है कि जो सिल्वर आर्मर्ड बैटलशिप है वो रिसेंटली हमने एक तरीके से मॉडिफाई की हुई है, आधा साल या फिर उससे ज्यादा लग सकता है अगर एक और हम अपग्रेड करना चाहे तो। वुलिन ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सिल्वर बैटलशिप चलानी पड़ेगी। टांग वुलिन बोल रहा होता है अगर सिल्वर बैटलशिप होगी तो चाहे हम ड्रैगन नाइट्स के सामने भी क्यों ना आ जाएं, मैं कम्पीट कर सकता हूं उनके साथ। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है जॉनी अगर पॉसिबल होगा तो गोल्ड लेवल ड्रैगन के कॉर्प्स को तुम वापस लाना, अगर उसे हम इकोलॉजिकल बैटलशिप में बदलें तो वो पावर कुछ ज्यादा खतरनाक होगी, ये उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जब वो जिंदा थे। हमारा जो नया डेवलप्ड एनर्जी कलेक्शन सिस्टम है हमने उसे अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया है, जॉनी बोल रहा होता है ठीक है। फिर वो पूछता है कि स्पेस एनर्जी कलेक्शन सिस्टम वो क्या चीज है। एल्डर बोल रहा होता है कि एक्चुअल में यूनिवर्स में काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की एनर्जी है, जो एनर्जी फैली हुई है स्पेस में उसे हम स्पेस एनर्जी के रूप में इकट्ठा करते हैं। एक छोटा सा स्पेस सोर्स क्रिस्टल जो होता है अगर फिंगर नेल के साइज का भी हो तो वो काफी होता है स्पेस एनर्जी कलेक्शन सिस्टम के ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए साल से भी ज्यादा। जॉनी बोल रहा होता है क्या ये सभी सिल्वर आर्मर्ड बैटलशिप में लगाए हुए हैं क्या, मतलब एक तरीके से एनर्जी सोर्स काफी लंबा चलेगा। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है हाँ, इसीलिए इसे मॉडिफाई करने की जरूरत थी, और साथ में टांग सेक के रिसर्चर्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे ताकि तुम एक क्रॉस स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्कल को टियानलोंग स्टार में बना पाओ। जब हम असली के खतरे को एनकाउंटर करेंगे तो हम सभी अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते हैं सिल्वर आर्मर्ड जो है बैटलशिप, उसमें
कम से कम टाइम में। जॉनी बोल रहा होता है डायरेक्शनल टेलीपोर्टेशन सर्कल, फेवलिन मास्टर बोल रही होती है लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लार्ज स्केल डायरेक्शनल टेलीपोर्टेशन अरे जो होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं, और ऊपर से हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, पर प्रॉब्लम यही है कि एनर्जी कहाँ से लाई जाए। जो स्पेस सोर्स क्रिस्टल्स तुम लाए हो उसकी वजह से ये जो एनर्जी की प्रॉब्लम थी पूरे तरीके से सॉल्व हो चुकी है। एक एल्डर बोल रहा होता है अगर बात करें तो तुम्हें खुद को शुक्रिया बोलना चाहिए ये जो चीज हम कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम स्पेस इंसेक्ट अपने साथ लाए थे उसने काफी ज्यादा हेल्प की है। इसी तरीके से हम वो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन को ओपन कर सकते हैं इतना कम टाइम में। पेविलियन मास्टर, मुझे लगता है कि इस चीज का क्रेडिट भी ज्वानियो को जाना चाहिए, है ना। पेविलियन मास्टर बोल रही होती है कि नेचुरली रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसे जिस तरीके की सर्विस दे रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन की है इसने, और इसे मतलब मेजर नहीं कर सकते हैं, इसने इतना कर दिया एकेडमी और टांग सेट के लिए, इसलिए 3 और रिवॉर्ड्स हम इसे देंगे। पहला ये है कि हम तुम्हें 10 रेड लेवल शर्क बैजेस देंगे। सेकंड रिवॉर्ड ये है, हम देख रहे हैं कि लान जॉनियो की काफी ज्यादा फास्ट ग्रोथ है और कंट्रीब्यूशन एकेडमी के लिए, इसलिए मैं जो मास्टर हूँ सीगोर्ड पेविलियन की ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसे क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए एक रिजर्व मेंबर होने के लिए सीगोर्ड पेविलियन के। अगर ये गोल्ड लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा पेविलियन का, मतलब है ये एक तरीके से, पर जब ये गोल्ड लेवल में हो जाएगा तब परमानेंटली इसे ये पोजीशन मिल जाएगी। और अगर थर्ड रिवॉर्ड की बात करें तो टांग सेक्टर हमारे बीच में हम डिस्कस करने के बाद, और ऊपर से जो तुमने कंट्रीब्यूशन दी है तुम्हारी टीम ने और तुमने, इससे हमने ये पता किया कि तुम्हारा जो टेस्ट था वो सफिशिएंट था। इस जनरेशन में तुमने अपने सारे साथियों को सरपास कर लिया है, अपने सीनियर्स को भी सरपास कर लिया जो कि इनर कोर्टयार्ड में, जो कि एक साल पहले गए थे तुमसे, तुम डिजर्व करते हो। ये जो टाइटल है ये शर्क एकेडमी के 30,000 साल की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारे फादर के पास था एक बारी, अब ये तुम्हारे पास है। हम बिलीव करते हैं कि तुम इस टाइटल की रिस्पेक्ट करोगे, हम फ्यूचर में विश्वास करते हैं तुम डेफिनेटली अपने फादर की तरह बनोगे और उसकी एग्जिस्टेंस को भी सरपास कर लोगे। इसीलिए शर्क एकेडमी और टांग सेक्ट के बिहाफ में हम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि जो शर्क के 7 मॉन्स्टर्स हैं वो तुम्हारी टीम को बिलोंग करते हैं। आज से तुम शर्क के 7 मॉन्स्टर्स हो, और अगर तुम चाहते हो टियानलोंग स्टार को इन्फिल्ट्रेट करना, इसीलिए एकेडमी कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं करेगी तुम्हारे टाइटल्स को तुम्हें देने के लिए। 2 दिन बाद एकेडमी में एक इवेंट होगा, उसमें एक तरीके से कॉन्फ्रेंस होंगे जिसमें सिर्फ इनियर एकेडमी के जो डिसिपल्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस कॉन्फ्रेंस पे हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे एक तरीके से कि तुम इस जनरेशन के शर्क के 7 मॉन्स्टर्स हो। पर ये भी हो सकता है कि सीनियर्स जो हैं इनर कोर्टयार्ड के वो तुम्हें चैलेंज करें। चैलेंज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो टाइटल्स है वो तुम्हें मिलेंगे ही, पर फिर भी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है मीटिंग के लिए, बस इतना ही। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें अपने फादर के साथ बात करनी है तो तुम जा सकते हो। जॉनी शुक्रिया बोल के चल पड़ता है। बुलिन बोलता है कि चलो तुम्हारी मदर को देखते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है। वहां से जा रहे होते हैं पेविलियन मास्टर और जो एल्डर होता है वो देख रहे होते हैं जाते हुए। एल्डर बोल रहा होता है ये सच्ची बात है कि जो ड्रैगन्स हैं वो ड्रैगन्स को पैदा करते हैं, और जो फीनिक्स हैं वो फीनिक्स को पैदा करते हैं। जो सन है ड्रैगन किंग का वो फ्यूचर में ड्रैगन गॉड बनेगा ही। उस दिन का मेरे को काफी ज्यादा इंतजार है। बुलिन मतलब जो जॉनी होता है वो ऐसे चला होता है, सोच रहा होता है टीचर नाना क्या वो जाग रहे हैं, क्या मैं उन्हें मोम बोलूं या फिर टीचर नाना बोलूं। वैसे एक के पास पहुंच जाता है और ऐसे बोल रहा होता है नाना टीचर नाना, फिर बोलता है नहीं मोम। वैसे ही मतलब मदर करके आवाज लगा रहा होता है, तभी वो फेंट सा हो रहा फील कर पा रहा होता है अपनी मदर का। वो जाता है एक के पास और बोलता है कि मोम मैं तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, प्लीज जाग जाओ। टांग बुलिन भी बोल रहा होता है कि हाँ नाना हम काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं तुम्हें। फिर वो जॉनी को बोलता है कि जॉनी तुम्हें चिंता नहीं करनी है ज्यादा, तुम्हारी मदर काफी ज्यादा जल्दी जाग जाएगी। जॉनी सोच रहा होता है कि हाँ पहले जो ये सिल्वर ड्रैगन एग था वो इतना कुछ खास नहीं था, पर अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो पूरा सरफेस है इस ड्रैगन एग का वो सिल्वर ड्रैगन पैटर्न से कवर हो चुका है। हर एक ड्रैगन पैटर्न जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक थिक सी लाइफ एनर्जी भी हर तरफ से निकल रही है इससे। बुलिन बोल रहा होता है जो एटर्नल ट्री है वो एक तरीके से लाइफ का सोर्स है पूरे एंटायर डुलो स्टार के लिए, और वो जो ट्री है वो नाना की ग्रेट ग्रैंड मदर ने ट्रांसफॉर्म किया था। तो जो ओल्ड लेडी है वो अपनी ग्रेट मतलब ग्रैंड डॉटर इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करेगी हर एक कीमत पे, मतलब शायद टांग बुलिन की ग्रेट ग्रैंड मदर थी। जॉनी बोल रहा होता है डैड मोम वो ग्रेट ग्रैंड मदर की लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। बुलिन बोल रहा होता है
कि बात यह है कि एकेडमी इस मैटर में मानती है, फेडरेशन ने भी हाँ की है, वरना जो लाइफ एनर्जी है इटर्नल ट्री की, जो कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ मिक्स हुई है, वो कम हो जाएगी। फेडरेशन को पता है इसके बारे में। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है कि फेडरेशन इतना कर रही है। तुमने जो भी चीज़ें की हैं इससे फेडरेशन काफ़ी ज़्यादा खुश है। जो इन्फॉर्मेशन तुम टियालोंग स्टार से वापस लाए हो उसने पूरे तरीके से फेडरेशन को शॉक कर दिया है। उससे फेडरेशन को ये फील आ चुकी है कि अगर पावर हाउसेस की बात करें तो हमारे और टियालोंग स्टार के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है। मुझे लगता है कि प्लान सही है अगर सही तरीके से बात करें तो। जो सुपर गॉड लेवल है, हम ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर 1000 या फिर 10,000 सालों की बात कर ले तो। पर अगर हम एक इंसान को गॉड किंग के लेवल तक पहुंचा दे तो चीज़ें बदल जाएंगी। तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड का ब्लड है, अगर तुम ड्रैगन गॉड बन जाओगे तो तुम पूरे टियानलोंग स्टार को अपना बना सकते हो। तो फेडरेशन ये आइडिया मानती है और इसलिए वो पूरा सपोर्ट कर रही है तुम्हें। जॉनी बोल रहा होता है कि तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास भी सेम आइडिया है। डैड तुम्हें ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन का और ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन के बारे में अच्छे से पता है ना? तुम्हें लगता है मेरी ब्लड लाइन ड्रैगन गॉड में प्रमोट होगी? वुलिन बोल रहा होता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे अभी अभी, अब क्यों तुम ऐसे हेजिटेट कर रहे हो? जॉनी बोल रहा होता है तो मैं मतलब है मेरे को विश्वास, पर ये थ्योरी के ऊपर ही है। मुझे अब डर है कि टांग सेक्टर और एकेडमी का काफी ज्यादा एक तरीके से हाई एक्सपेक्टेशंस है मेरे ऊपर। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो चीजें खराब हो जाएंगी। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूं मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।